नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आज की कहानी है साहबजादे, ये घर मेरा है और तुम माँ बेटे मेरे पैसों पर पल रहे हो, जब कमाने लगना तो आंख दिखाना। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे कि अचानक रात के खाने के बाद आज फिर माँ के कमरे से थप्पड़ मारने की जोरदार आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर दीपक अपने कमरे से बाहर आकर माँ के कमरे की ओर दौड़ कर गया। शायद आज फिर दीपक के पिता ने अपने पुरुष होने का वर्चस्व माँ कुसुम पर हाथ उठा कर दिखाया था। दीपक तेज कदमों से माँ के कमरे की ओर गया और जोर से दरवाजे को धक्का दिया। सामने पिता को गुस्से से लाल देखा जो माँ पर बरस रहे थे। पिता माँ के बाल पकड़े हुए थे, उनके मुंह से निकले शब्द दीपक को अंदर तक हिलाकर रख गए। जाहिल गंवार औरत, कितनी बार कहा है तुझसे मुझे इतना गर्म दूध का गिलास मत पकड़ाया कर, बुढ़ापे में भी अक्ल नहीं आई तुझे। दीपक के पिता जोर जोर से माँ कुसुम पर चिल्ला रहे थे और कुसुम बेचारी लाल गाल लिए फर्श पर पड़े दूध को साफ करने में लगी थी। बेटे को कमरे में देखकर अपने पल्लू से चेहरे को छिपाते हुए बेटे से नजरें बचाने लगी, पर दीपक की नज़र माँ के चेहरे पर ही थी। ये सब देखकर दीपक पिता पर चिल्लाया, पिताजी ये सब क्या है, कब तक आप माँ पर हाथ उठाते रहेंगे, अब बहुत हो चुका, बचपन से हम देखते आ रहे हैं आप किसी न किसी बात पर माँ को मारने लगते हैं। जब हम छोटे थे तो लगता था कि ये सब हर घर में होता होगा, पर अब हम भी समझदार हो गए हैं, शर्म आती है हमें आपको पिता कहते हुए, दीपक ने माँ को गले लगाते हुए कहा। थोड़ी देर में दीपक की बहन प्रभा भी कमरे में आ गई और माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ आप कब तक पापा के जुल्म बर्दाश्त करती रहोगी, क्यों नहीं पिताजी को एक बार पलट कर जवाब देती हो, कैसे इस घर में आपको जानवरों की तरह आए दिन पीटा जाता है, क्यों सहती हो ये सब, आखिर ये घर आपका भी तो है, फिर क्यों नहीं अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती हो। मैं अभी 100 नंबर पर कॉल करती हूँ, पुलिस को देखकर सारी अगले ठिकाने आ जाएगी पापा की, प्रभा ने फोन मिलाया ही था कि माँ ने चिल्ला कर कहा, पागल हो गए हो तुम दोनों, और प्रभा तू दिमाग तो सही है तेरा, चुप कर लड़की, अपने पिता के बारे में क्या अनाप शनाप बोल रही है, वो मेरी ही गलती थी, इनको दूध का गर्म गिलास पकड़ा दिया, गुस्सा आ जाता है, आखिर पति ही तो हैं, मारते हैं तो प्यार भी तो करते हैं, तुम दोनों बेवजह बात को तुल दे रहे हो, इतनी तेज भी नहीं मारा है, जाओ अपने अपने कमरों में सो जाओ जाकर। माँ की बात सुनकर दीपक और प्रभा उदास हो गए। ये पहली बार नहीं था जब माँ ने पिता की मार को अपनी ही गलती कहकर छिपाया था, अक्सर माँ यही करती थी, इसी वजह से दीपक और प्रभा माँ को कभी उसका न्याय नहीं दिला सके। कुसुम की बात सुनकर दीपक के पिता ने अपने मूछों पर ताव दिया और दीपक से बोले, साहबजादे ये घर मेरा है, तुम्हारी माँ का नहीं, और तुम दोनों आखिरी बार सुन लो, इस घर में मेरी ही चलेगी, इस घर का मालिक मैं हूँ, तुम लोग मेरे पैसों पर पल रहे हो अभी, जब कुछ कमाने लगो ना तब आंखें दिखाना, ये मेरा घर है, कोई तुम्हारा कॉलेज नहीं जो रोज़ रोज आंदोलन करोगे, बाप के पैसों पर निर्भर हो, अगर एक बार सारा खर्चा पानी बंद कर दूँ तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पिता की बात सुनकर दीपक की आंखें भर आई, ये पहली बार नहीं था, दीपक के पिता ने दीपक को ये सब बातें सुनाई थी, वो तो अक्सर दीपक को ऐसे ही ताना मारते थे, पिता के शब्दों के कड़वे बोल दीपक का कलेजा भारी कर देते। दीपक और प्रभा अपने अपने कमरों में चले गए। प्रभा तो कुछ देर बाद थक कर सो गई, लेकिन दीपक को नींद कहाँ आने वाली थी, कमरे में रखी किताबें उससे सवाल कर रही थी, दीपक लगा दे सारी मेहनत इस बार और पूरे कर ले अपने सपने को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर दीपक किताब और नोट्स लेकर परीक्षा की तैयारी करने में जुट गया। इसी मेहनत का परिणाम था कि दीपक ने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, खुद को कमरे में कैद कर लिया था, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई अब उसका प्रमुख लक्ष्य बन चुकी थी। चला जाना चाहता था वो ऐसे पिता के घर को छोड़कर जहां उसकी माँ को आए दिन घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता था,
जहाँ उसकी माँ के आत्मसम्मान को हर दिन ठेस पहुँचाई जाती थी। सिर्फ माँ ही नहीं, उसके पिता ने तो कभी दोनों बच्चों को भी पिता का प्यार नहीं दिया। दीपक की मेहनत और लगन ने उसके सपनों को आखिर पूरा कर ही दिया। परीक्षा देने के कुछ महीनों बाद सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया और दीपक की मेहनत रंग लाई। वो टॉप 3 में आया था। दीपक की खुशी का ठिकाना न रहा। परिणाम देखते ही वो भावुक हो गया, पर ये खुशी के आंसू थे। दीपक ने घर आकर ये खबर सबसे पहले अपनी माँ को सुनाई और बहन प्रभा ने जब सुना तो वो भी खुशी के मारे पागल सी हो रही थी, क्योंकि अब शायद उसके भाई को पिता के कड़वे बोल से निजात मिल जाएगी। अब उसके भाई को पिता का अपमान नहीं सहना पड़ेगा। दीपक के पिता शाम को घर लौटे। घर में शांति थी, पर रसोई से हलवे की खुशबू आती देख पिता ने कुसुम से पूछा, आज हलवा बनाया है क्या? किस खुशी में? तेरे मायके वाले तुझे लेने आ रहे हैं या तेरे नाम जायदाद का हिस्सा कर दिया है? पति की बात सुनकर आज कुसुम विचलित नहीं हुई। वो तो आज बेटे की खुशी को ही दिल में बसा के बहुत सुकून महसूस कर रही थी। रात के 9 बज गए। दीपक के पिता ने टीवी पर न्यूज़ लगाई। टीवी चालू करते ही सबसे पहले मुख्य खबर में जब टीवी पर दीपक का नाम आया तो पिता हैरान हो गए। पिता ने दीपक को आवाज़ लगाई, अरे दीपक, तूने बताया नहीं कि तू इस परीक्षा में बैठ रहा है, ये कब की तूने तैयारी? और पेपर भी चुपचाप दे आया। खैर चलो, बात तो बहुत खुशी की है, पर अगर मुझे भी बता देता तो और बढ़िया और महंगी कोचिंग लगवा देता तेरी, तो पहली रैंक आ जाती। आखिर देख लिया ना अपनी मनमानी का नतीजा, रह गया ना तीसरे नंबर पर। पिता के ये कड़वे बोल दीपक के सीने में सूल से चुभ गए। इन शब्दों की पीड़ा इतनी थी कि इतनी बड़ी खुशी में भी दीपक की आंखों से पानी बह निकला, पर दीपक ने अपने आप को संभाला। कुछ देर बाद प्रभा और माँ भी कमरे में आ चुकी थी। पिता की बातें सुनकर दीपक ने भी पलट कर जवाब दे ही दिया। इस बार दीपक की आंखों में डर नहीं, एक चमक थी, एक आत्मविश्वास था, खुद पर और आत्मनिर्भर होने का भी गुरूर। दीपक ने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, पिताजी, ये मेरी मेहनत का नतीजा है और मेरी माँ के आशीर्वाद का, जो आज मुझे इस परीक्षा में प्रथम 3 में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे माँ के सपने को पूरा करना था और खुद को भी आपकी नज़रों में साबित करना था। दिन रात तैयारी करके मैं साबित करना चाहता था कि मुझ में भी काबिलियत है। दीपक की आवाज़ में तंज था और पिता के एहसान का कर्ज उतारने का वक्त भी। दीपक बिना रुके बोले जा रहा था। कुछ देर रुक कर दीपक फिर बोला, पिताजी, मैं आपके पैसे खर्च करवा कर जिंदगी भर ताना सुनना नहीं चाहता था। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब इस बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप खुद को ही सही साबित करेंगे, इसलिए इन बातों पर बात विवाद करना व्यर्थ है। कुछ दिनों बाद मेरी ट्रेनिंग है, अब जिंदगी एक नई दिशा की ओर सफ़र करने वाली है। ट्रेनिंग के बाद फिर ज्वाइनिंग होगी, क्या पता कहाँ जाना पड़े। वैसे अगर होम टाउन भी मिला तो इसी शहर में मुझे सरकार की तरफ से घर भी मिलेगा, आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आप शायद ये घर मेरा है दीवारों से ही कह पाएंगे, क्योंकि प्रभा और माँ तो मेरे साथ ही रहेंगी। दीपक ने माँ और प्रभा को गले लगाते हुए कहा। दीपक की बात सुनकर पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माँ अपने पति का चेहरा देखकर सिहर गई। तुरंत दीपक की बातें सुनकर माँ दीपक को टोकते हुए बोली, ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है, दिमाग तो खराब नहीं हो गया इस लड़के का? अपने पिता से कोई ऐसे बात करता है क्या? और ये क्या प्लान बना रहा है तू? अपने ही मन से अनाप शनाप बोल रहा है, कहीं नहीं जाने वाली मैं इस घर को छोड़कर, तुझे जाना है तो चले जाना। और सुन प्रभा, कान खोलकर सुन ले, अपने भाई की बातों में मत आ जाना, पिता है तेरे, कोई दुश्मन नहीं, इतने बुरे भी नहीं जितना तुम लोग समझते हो। आखिर इस घर के मुखिया हैं, वो कभी कभार गुस्सा आ जाता है पर प्यार भी तो करते हैं। कोई पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। और माँ, जो आप आज तक पिता की मार खाती आई हैं उसके बारे में कुछ सफाई नहीं देंगी? दीपक ने माँ को देखते हुए कहा। माँ बात को पलटते हुए बोली, अब वो पुरानी बात लेकर मत बैठ जाओ, तुम दोनों जाओ अपने कमरे में, ये आजकल के बच्चे भी ना कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हैं। बड़बड़ाती हुई माँ अपने कमरे में चली गई। कमरे में दरवाज़ा बंद करके शीशे के सामने खड़ी होकर
अपने चेहरे को करीब से देखने लगी। चेहरे पर लगे निशान आज उसका जख्म ताज़ा कर रहे थे। कहने को तो वो अपने बच्चों के सामने उनके पिता की गलती को भी सही ठहराने में कोई कसर न छोड़ती, पर दिल पर लगे अनगिनत जख्मों से वो जिंदगी भर खुद को अलग कभी न कर पाई। आज बेटे ने सच्चाई बयां की तो उसके जख्मों पर फिर से जलन होने लगी। पर एक स्त्री कहाँ कभी अपने खिलाफ हुए मानसिक और शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा पाती है। उसकी सिसकियों को बस उसका दिल ही सुनता है, और कभी अगर उसके बच्चे या परिवार वाले उसे हौसला देते भी हैं तो समाज के डर से खुद को दोषी साबित करने में अपने पति की गलतियों पर ज़्यादातर पर्दा ही डालती नज़र आती हैं। अपने साथ हुए अत्याचार को भूलकर दीपक की माँ बेटे का सामान पैक करने में जुट गई। कुछ दिनों बाद दीपक भी ट्रेनिंग पर चला गया और कुछ महीनों बाद उसकी पोस्टिंग घर से 500 किलोमीटर दूर कानपुर हो गई। दीपक जॉब में बिजी हो गया। घर दूर होने के कारण उसे टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने घर आ सके। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, सिर्फ फ़ोन पर ही घर पर बात होती थी। 2 साल बाद दीपक का ट्रांसफ़र हो गया। अपने घर से कुछ ही किलोमीटर दूर उसकी पोस्टिंग हुई थी। पूरे 2 साल बाद दीपक घर आ रहा था। माँ और बहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ और बहन दीपक की पसंद का खाना बनाने में बिजी थी। पिता को भी खबर मिल चुकी थी। पिता कमरे में बैठे शराब की बोतल खाली कर रहे थे। तभी दीपक की माँ ने टोका, आज 2 साल बाद बेटा घर आ रहा है, कुछ तो शर्म करिए अब आप, एक कलेक्टर के पिता हैं, ये सब शोभा देता है क्या है आपको? अब तो सुधर जाइए, जो बीत गया उसे भूलकर अब बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करिए। मैं आपसे बोलना नहीं चाहती थी, पर अब बेटे की ज़िंदगी और उसकी इज्जत के साथ साथ इस घर की इज्जत का भी सवाल है। बेटे के साथ उसका स्टाफ भी होगा, क्या सोचेंगे सब? कलेक्टर के पिता को जब नशे की हालत में देखेंगे, आजकल तो मीडिया भी साथ रहती है, कितनी बदनामी हो जाएगी, कभी सोचा है आपने? दीपक की माँ ने आज अपने पति की आंखों में आंखें डालकर पहली बार अपना मुँह खोला था। कुसुम की बातें सुनकर दीपक के पिता गुस्से में तिलमिला गए और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोले, चुप कर, तेरे ही ज़्यादा लाड प्यार ने बिगाड़ा है बेटे को, जो अपने पिता को उल्टा जवाब देने में अपनी शान समझता है। जा तू भी अपने बेटे के पास। इतना कहकर शराब की बोतल कुसुम के सर पर दे मारी। कुसुम के सिर पर जोरदार चोट लगने से एक गहरा जख्म हो गया। खून से सना सिर, दर्द के मारे कुसुम की चीख निकल गई। माँ की चीख सुनकर प्रभा दौड़कर कमरे में आई और माँ की ये हालत देखकर पिता पर बरस पड़ी। आप इंसान हैं या हैवान? कैसे जानवरों की तरह माँ को मारा है? आने दो भाई को, अब 100 नंबर पर कॉल मैं नहीं, मेरा कलेक्टर भाई मिलाएगा। तभी दीपक की गाड़ी भी पहुँच गई। शोर सुनकर साथ का स्टाफ भी अंदर दौड़ा। माँ की हालत देखकर दीपक ने तुरंत अपनी गाड़ी में माँ को हॉस्पिटल पहुँचाया। माँ का जख्म गहरा था, 5 टांके लगे थे। हॉस्पिटल में दीपक और प्रभा माँ के सिरहाने बैठे थे। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। दीपक ने माँ को गले लगा कर कहा, माँ कब तक सहती रहोगी ये सब? बेटा जाऊँगी भी तो कहाँ, पति है मेरे, और फिर इस उम्र में कोर्ट कचहरी, समाज क्या कहेगा? फिर हर पत्नी पति पर आश्रित होती है। सुना नहीं था तेरे पापा ने क्या कहा था, ये घर उनका है, मेरा तो कोई घर नहीं बेटा, अब जिंदगी जितनी भी बची है काटनी तो पड़ेगी ही ना। चुप करो माँ, ये लीजिए, दीपक ने एक फाइल पकड़ाते हुए माँ से कहा, अब आपको किसी भी इंसान के अत्याचार सहने की ज़रूरत नहीं। ये क्या है बेटा? कुसुम ने फाइल देखते हुए कहा, माँ ये मेरी माँ के घर के पेपर हैं, पहली सैलरी मिलते ही मैंने लोन लेकर आपके नाम घर बुक कर दिया था, अब आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा कि ये तेरा घर नहीं है। कुसुम की आंखों से आंसू बह रहे थे। सर पर लगे जख्म में तेज दर्द था, लेकिन मन पर लगे बरसों के घाव आज हमेशा के लिए बेटे के प्यार के आगे खत्म हो गए थे। पास खड़ी प्रभा ने भाई को याद दिलाया, भाई पिताजी को भी सबक सिखाना चाहिए, कंप्लेन कर देते हैं। दीपक ने बहन से कहा, उन्हें जिंदगी भर का सबक मिल जाएगा प्रभा, क्योंकि माँ अब उस घर में वापस नहीं जाएंगे। माँ का घर अब तैयार है और हम सब माँ के घर में रहेंगे। क्यों माँ, रहोगी ना अपने घर में हमारे साथ? बेटे की बात सुनकर माँ ने दोनों बच्चों को प्यार से गले लगाकर अपनी सहमति जता दी और अपने बेटे के साथ रहने लगी।
दोस्तों, कहा जाता है अन्याय करने से ज़्यादा दोषी अन्याय सहने वाला होता है। जब हम किसी की बातों को सहते चले जाते हैं तो वह इंसान हमें और भी दबाते चला जाता है। इसलिए घरेलू हिंसा के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए और कभी भी अपने पति की ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी भी पति की धन संपत्ति सुख दुख में बराबर की भागीदार होती है। कुसुम जी के बेटे दीपक ने यह बहुत अच्छा किया जो अपने माँ को इस दलदल से बाहर निकाल अपने पिता को अकेले घुटने के लिए छोड़ दिया। यही उनके लिए सबसे बड़ा सबक था। आपको दीपक का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।